हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। और आज हम निकले हैं, दो दोस्त निकले हैं बाइक खरीदने के लिए, जा रहे हैं सिलचर शोरूम में। नज़दीकी शोरूम हमारा सिलचर ही है, तो हम निकले हैं और आपको हम अपडेट करते रहेंगे। साथ में हमारे मित्र हैं जो हम आपको रास्ते भर की जानकारी देते रहेंगे। चलते हैं मंजिल की ओर और बाइक खरीदना हर एक किसी के लिए एक अच्छी और खुशहाली बात, मतलब बहुत ही खुशी भरी बात होती है। इसी का एक्सपीरियंस आज हम लोग कर रहे हैं। काफी रिसर्च के बाद, काफी काम काम के बाद कुछ हम लोग निर्धारित किए हैं शोरूम में जाकर बैठ गए। और इसके लिए हम लोग रिसर्च में मदद की हमारे दोस्त देवर्षी जी, बने रहे शोरूम के। विख्यात ब्रह्म बाबा का मंदिर, यहाँ पे बहुत ही श्रद्धालुओं का मेला लगता है। इसी कार्तिक पूर्णिमा में मेला लगता है इस सिलकुड़ी के ब्रह्म बाबा में। हालांकि दोस्तों, जैसे कि हमने पहले कहा, हम लोग शोरूम की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और अभी तक आधे रास्ता जो है पार कर चुके हैं। बहुत ही खुशनुमा मौसम है और यहाँ का वैसे अभी हम फिलहाल पल्सर 150 के साथ राइड कर रहे हैं। ये 6 साल पुराना पल्सर 150 है, जो क्लासिक मॉडल है। एक बात तो हम कह सकते हैं कि 150 के बारे में पल्सर के लिए इसमें फेरित करना बहुत ही ईमानदारी होगी, क्योंकि अभी तक 5 सालों में इसने ना कोई इंजन में प्रॉब्लम दिया है, ना कोई ज्यादा कुछ इसमें दिक्कत आई है। अभी तक बहुत ही स्मूथली राइड करती है पल्सर 150। तो एक बजाज का फेथ है लोगों पे, जो पल्सर का सीरीज उसने निकाला एक के बाद एक, और लोग उसके साथ जुड़ते गए। तो हमारे रिसर्च में ये भी एक था कि कौन सा बाइक लिया जाए कौन सा नहीं। हालांकि बजाज के ऊपर एक फेथ है, आखिरकार देखते हैं कि कहाँ पे जाके हमें अच्छा लगता है कौन सी बाइक। अप्रोचिंग सिलचर NIT, सिलचर NIT के सामने हम आ चुके हैं। थोड़ी देर में हम लोग शोरूम के पास आने वाले हैं। सिलचर NIT है रास्ता। सिलचर बाईपास जो अभी निर्माण किया जा रहा है, जो मिजोरम के रास्ते को सिलचर से बाहर जोड़ेगी। अभी मैं आ चुका हूँ सिलचर मेडिकल कॉलेज के सामने स्टेट बैंक के ATM में, और ATM में आना तो आपको पता ही है, क्योंकि बाइक तो पैसा उसे ही लेना पड़ेगा, फाइनेंस से नहीं है, कैश पेमेंट से ले रहा हूँ। दोस्तों, ATM के सामने ही हमें एक्स ब्लेड देखने को मिला, जो 150-160 के सीरीज में कैटेगरी में ये भी एक ऑप्शन है। इसके बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं, तो देखते हैं कि आखिरकार क्या होता है। और वैसे मैंने अभी
एटीएम से पैसा निकाल दिया है, तो अभी हमें डायरेक्ट शोरूम में जाना है, तो हम वहीं आपको मिलते हैं। तब तक हमारे साथ बने रहिए। सिलचर मेडिकल कॉलेज से हम शॉर्टकट ले रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक जाम होने के कारण टाउन में बहुत ज़्यादा रश रहता है, इसीलिए हम इसके किनारे से शॉर्टकट ले रहे हैं। ये रहा सिलचर मेडिकल कॉलेज। पहुंचने ही वाले हैं बजाज क्लासिक के शोरूम में, अभी जाके बजाज क्लासिक में देखते हैं। वैसे तो हमने मान ही रखा है कि बजाज का ही बाइक लेंगे, और बजाज में NS160 जो अभी तक मुझे लुभावनी लगी है, मतलब मुझे पसंद है, और जाके वो कलर और उसका जो और भी फॉर्मेशन है सब कुछ हम लोग देखते हैं। बजाज क्लासिक के शोरूम में आ चुके हैं, और जैसे कि पहले हमारी बात हो चुकी है डीलर के साथ, जीरो किलोमीटर अभी तक चला है, मतलब अभी तक टेस्ट राइड भी नहीं हुआ इस बाइक का। फर्स्ट टाइम ये इंजन स्टार्ट हुआ है मैन्युफैक्चरिंग के बाद, और हमारे साथ सिंगदा हैं जो बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे, क्योंकि ये हर रोज बाइक की छोटी से छोटी चीज़ों को देखते हैं। सिंगदा से हम जानते हैं बाइक के बारे में। सिंगदा, ये बाइक लेने का डिसीजन कैसा है? बहुत अच्छा है, गाड़ी बहुत बढ़िया चलता है मार्केट में। और 150 के मुकाबले इसका क्या कंपेयर है? 150 से कंपेयर ये ज्यादा है, इसका बॉडी का लुक्स और इसका पिकअप ज्यादा है, इसका पेस भी 150 से थोड़ा ज्यादा है इसका। अच्छा, ठीक है। इसका ट्विन डिस्क है। अच्छा, और ट्विन डिस्क तो अपना मान लो पहले के जगह। हाँ, ट्विन डिस्क बहुत ज्यादा सेफ्टी है इसका। अच्छा, स्पार्क प्लग कितना है? स्पार्क प्लग से दो दो टू हंड्रेड में तीन और 200 में तीन है, और डोमिनार में तीन है, और RS में तीन, और RS और डोमिनार है, और कोइल इंजेक्शन है FI। इसका बल्ब है 4 बल्ब है।
जैसे मतलब 150 में और 200 220 पुराना जो होता था उससे तो थोड़ा चेन पॉकेट का प्रॉब्लम रहता है। प्रॉब्लम अभी चेन पॉकेट का प्रॉब्लम जो बहुत बेहतर अच्छा हो गया। इसमें इसमें रहता है क्या? इसमें नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। और माइलेज कितना दे सकता है इसका? माइलेज आपको मिलेगा 45। अगर दो सर्विसिंग के बाद में शुरुआत में आपको इसको 30 तक आ जाए, 30 मिलेगा माइलेज। हाइट भी है 150 से ऊंचा भी है, हाइट भी है और हैवी भी है। अच्छा, टेस्ट राइड के लिए मेरे दोस्त लेके जा रहे हैं। ये गैराज स्टोर रूम है बजाज पल्स शोरूम का, जहाँ पे सारे बाइकें रखे हुए हैं, इसीलिए इसका हालत थोड़ा सब कुछ खिदाई करने का बात नहीं, हम लोग शोरूम पे गपाइक ले जाता है। गेट पास पुल कर दीजिए।